क्या है कि आज की तारीख में टीटीपी खुला अटैक कर रहा है, खुला अटैक कर रहा है। क्वेटा ठोको, पेशावर ठोको, और परसों क्या हुआ, इस्लामाबाद ठोको। पाकिस्तानियों की खुद की हरकतें ऐसी हैं कि फंसते हैं। फिर कहते हैं साजिशें कर दी यहूदियों ने, हिंदुओं ने, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि साजिश के लिए भी एक दिमाग चाहिए। तुम क्यों नहीं करते भाई साजिश, तुम्हारी नंबर वन एजेंसी है वर्ल्ड की, एसआई जिसको कहते हो नंबर वन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, यही कहते हैं पाकिस्तानी। कभी हमें भी तो सुनने को मिले कि जो दुनिया की नंबर वन एजेंसी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान, उसने एक साजिश करी। वो क्यों नहीं करता साजिश, वो दुम्बे की तरह बैठा रहता है, हर दूसरे दिन सो कॉल्ड बेवकूफ बन जाता है, कोई भी आके आईएसआई को सर पर टिप मार के चला जाता है, थप्पड़ मार के चला जाता है। दहशतगर्दी का वाकया हुआ है कराची कंपनी के पास, ये कोई चोरी का या डकैती का वाकया नहीं था, एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात होना शुरू हो गए हैं और ये इस साल का पहला वाकया है और हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखो ऐसा है वैभव, जहां तक मुझे लगता है, मेरा ये अनुमान है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, यानी कि फौज, एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरा वर्ड है फौज के लिए, पाकिस्तानी फौज को लगता है कि बस इमरान ने अति कर दिया, इमरान इकॉनमी नहीं संभाल पा रहा, उसकी माफी है, इमरान खान इंटेलेक्चुअली बैंक्रप्ट है, उसकी माफी है, राइट, और ऐसे कई जुर्मों की माफी है। लेकिन जो स्ट्रक्चर लेकर पाकिस्तानी आर्मी आई थी, जिस स्ट्रक्चर के हेड इमरान खान नियाजी को बनाया था, द पाकिस्तानी आर्मी और द एस्टैब्लिशमेंट इज गेटिंग अ बैड नेम बिकॉज ऑफ इमरान खान। लोग अब सड़क पे ये पूछने लगे हैं कि यार तुम लोग लेकर आए थे इसको, इस जाहिल के बच्चे को तुम लोग लेकर आए थे, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तो पाक फौज को थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन अब देखो यार ऐसा है ना वैभव कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्वेस्टमेंट तो है यार, ठीक है, तो तख्ता पलट तो इमरान का तय है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ज्यादा देर का मेहमान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ को रखेंगे वो लोग, तहरीक इंसाफ को रखेंगे, लेकिन इमरान खान को ईज आउट करेंगे। अब इसके पहले कि हम देखें कि तहरीक इंसाफ में कौन लाइकली कैंडिडेट्स हैं, उसमें शफकत महमूद साहब भी हैं, उसमें परवेज खटक जो उनके इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, शाह महमूद कुरैशी नॉन एग्जिस्टेंट जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कहीं बाहर नहीं जाते, वो लाहौर से लेकर मुल्तान वही उसी में एक्सटर्नल अफेयर्स मैनेज करते हैं अपने, ये सब कुछ लोग हैं कलाकार। और शाह महमूद कुरैशी का तो बहुत पुराना सपना भी था, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं मैं, या तो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाऊं या प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, बोथ आर इक्वल इन पाकिस्तान, ये बन जाऊं। अब वो बन नहीं पाए कुछ दोनों में से, तो उनको ये पकड़ा दिया, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द जॉब। बहरहाल देखिए ऐसा है कि एक ज़माना था जब मियां साहब बड़ी गालियां देते थे, बाजवा ऐसा है और फैज़ हमीद, वो उन्होंने भी अपना रेटोरिक नीचे कर दिया, सो पीपल आर क्वाइट, लोग चुप बैठे हैं। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जैसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब हम वो एक्सटेंशन देने का रूल ही हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि खेल क्या चल रहा है इसमें, अब लोग किस तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं जनरल बाजवा को। तीन जो कलाकारों के हमने नाम दिए थे, शफकत महमूद जो है इज अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, राइट, और तीनों में से शरीफ वही है, इफेक्टिव नहीं है, पॉपुलर नहीं है, पावरफुल नहीं है, लेकिन शरीफ सबसे ज्यादा वही है, प्लाइबल सबसे ज्यादा वही है। दूसरी चीज शाह महमूद कुरैशी पीर साहब है अपने, राइट, और लोटों के बाप, कौन सा ऐसा घाट है जिसका पानी शाह महमूद कुरैशी ने नहीं पिया, राइट, और परवेज खटक, वही परवेज खटक है जिसने एक हफ्ता पहले इमरान खान को धमकी दी थी नेशनल असेंबली के फ्लोर में कि तुम्हें लेकर आए हैं, बोला था ना कुछ ऐसे ही उसने, तुम्हें लेकर आए, फिर कहा मैं सिगरेट पीने बाहर चला गया, वहां पे फोन वोन आ गया होगा उसका कि भैया तुम बोल क्या रहे हो। तो ये लोग हैं, अब ये लोग क्या प्रॉमिस कर रहे हैं आर्मी चीफ को, ये कमर जावेद बाजवा को ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जनाब देखो आपको आईएसआई चीफ लेके कौन सा ऑर्डिनेंस चाहिए आप बताइए, और आपकी क्या चॉइस है आप बताइए, इट्स डन, इट्स डन। ये दो तीन महीने का ड्रामा नहीं, 48 घंटे के अंदर जो आप कहेंगे हो जाएगा, ये तीनों के तीनों ने प्रॉमिस कराया एस्टैब्लिशमेंट को, आप बताइए आपका हुक्म क्या है। दूसरी चीज
क्या जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल और का एक्सटेंशन चाहिए? जनाबे वाला आप बताइए, हम आपको फॉरन एक्सटेंशन करवाते हैं 48 घंटे के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग इन पाकिस्तान इज फॉर सेल, आप बस हमें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वजीर आजम बना दीजिए, बाकी आपको क्या चाहिए आप बताइए। राइट, यही डील मुझे लगता है नवाज शरीफ भी करने को तैयार है। यही डील थोड़ा सा पीपल्स पार्टी जो है भुट्टो की, वो ऊपर नीचे हो रही है। वैसे बिलावल ने भी काफी एस्टैब्लिशमेंट के गाने गाए हैं बीच में, और एस्टैब्लिशमेंट के गाने गाते आया है बिलावल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को हटाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं पीटीआई में। अब अगर बाजवा ने यह बोला, जनरल बाजवा ने, कि पीटीआई को ही हटा दो, नून लीग को ले आओ, पीपीपी